हमारा पड़ोसी देश चीन जो एरिया के हिसाब से दुनिया के चौथे नंबर पर आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े देश का 30% हिस्सा ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान से ढका हुआ है। यानी कि चीन की टोटल जमीन में से 30% हिस्से पर रेगिस्तान फैला हुआ है, जिसकी वजह से चीन अपनी इस जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह नहीं कर पाता। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि चीन के बचे हुए 70% हिस्से में से 18% जमीन ऐसी है जो कि बहुत तेजी से रेगिस्तान में बदल रही है। यानी कि दिन पर दिन चीन में रेगिस्तान बढ़ते ही जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के अंदर बीजिंग में हर महीने में कम से कम 2 बार सैंड स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, यानी कि रेत और धूल भरी आंधियां, जिसकी वजह से रेगिस्तान लगातार फैलते ही जा रहे हैं। दोस्तों, ये हाल सिर्फ चीन का ही नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट की भी 30% जमीन ऐसी है जो कि पूरी तरह से रेतीली है या फिर डिग्रेड हो चुकी है। दोस्तों, यानी कि पूरी दुनिया में रेगिस्तान दिन पर दिन अपना आकार बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अंदर थार मरुस्थल के पास अरावली जंगल ना होता तो भारत का ये रेगिस्तान भी बहुत तेजी से फैलता रहता, लेकिन पूरी दुनिया में रेगिस्तान बहुत तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। फिर वो अफ्रीका हो, यूनाइटेड स्टेट हो, चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर और कोई देश हो, पूरी दुनिया के अंदर रेगिस्तानी इलाके बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दिन पर दिन बादलों के बरसने का पैटर्न चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से खेती की जमीन भी घटती जा रही है। दोस्तों, ये बात चीन बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, इसलिए चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका निकाला है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, चीन ने एक ऐसी मशीन बनाई है जो कि यहाँ के रेगिस्तान से रेत निकालने का काम कर रही है। चीन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करी है जिसकी वजह से रेगिस्तान का फैलाव तो कम हुआ ही है, साथ ही साथ रेगिस्तानी इलाके में भी ऐसी मशीन लगा दी गई है जो कि रेगिस्तान की रेत को कंसोलिडेट कर रही है ताकि ये रेत हवा में ना उड़े। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि इसके अंदर ऐसी ऐसी फसलें उगाई जा रही हैं जिसके उगने से ये रेत धीरे धीरे करके मिट्टी में बदल जाएगी। दोस्तों, ये सब कुछ कल्पना नहीं है, बल्कि चीन के अंदर ये सब हकीकत में हो रहा है। चीन एक ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जो चीन का नक्शा ही बदल देगी। चीन ने ऐसी रोबोटिक मशीन बनाई है जो कि रेत के ऊपर प्लांटेशन करने का काम कर रही है, जिससे रेत धीरे धीरे करके मिट्टी में बदल रही है और यहाँ की जमीन धीरे धीरे करके हरी होती चली जा रही है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजन रेनफॉरेस्ट, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल बताया जाता है, अगर उसका 25% एरिया ले लिया जाए तो चीन अपने रेगिस्तान को इतना हरियाली में बदल चुका है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर चीन के पास वो कौन सी तरकीब है जिसके जरिए चीन रेगिस्तानों की रेत को ही निकाले जा रहा है और चीन ने अपने रेगिस्तानों को हरियाली में बदल दिया है। दोस्तों, इस काम को करने के लिए चीन ने कई सारे स्पेशल रोबोट बनाए, स्पेशल मशीन्स बनाई हैं, जिसमें से एक का नाम है जुमांग। दोस्तों, जुमांग एक बड़ी स्केल रोबोटिक डिवाइस है जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने बनाया है। इसका इस्तेमाल रेगिस्तान के फैलाव को रोकने के लिए और यहाँ की जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए किया जा रहा है। दोस्तों, इसके फंक्शंस को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। ये जुमांग एक ऐसी मशीन है जो कि ऑटोमेटिक सीडिंग करने का काम करती है, यानी कि वो बीज जिन्हें जमीन में बोने के लिए हमें कई महीनों का समय लग जाता, उन बीजों को ये मशीन बहुत ही आसानी से जमीन के अंदर बो देती है। अगर आप बड़े से बड़े एरिया में भी इस रोबोट को छोड़ देते हैं तो ये वहां बहुत ही जल्द बीजों को बोकर आपका काम आसान कर देगा। इसे ऑटोमेटिक सीडिंग टेक्नोलॉजी भी कहा जा रहा है। और ये सिर्फ बीज ही नहीं बोती बल्कि रेत का स्टेबलाइजेशन भी करती है, यानी कि जो भूसा होता है उसका इस्तेमाल करके जो रेत वाली जमीन है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाए, यानी कि कड़क बन जाए और हवा आने पर ये रेत उड़ ना सके। यानी कि भूसा डाल के रेगिस्तान की जो रेत है उसे भूसा मिलाकर स्टेबल कर देती है और इसी प्रोसेस को सैंड स्टेबलाइजेशन के नाम से जाना जा रहा है। और इस काम को करने के बाद ये रेत पर ग्रिड बना देता है, यानी कि चौकोर चौकोर पूरे जाले बना देता है। अब चीन के रेगिस्तान में किए जाने वाले इस काम को सैंड ग्रिड पेविंग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ऐसा करने से यह होता है कि जब रेगिस्तान में तेज हवाएं चलती हैं तो रेत उनके साथ उड़कर नहीं जाती और रेतीली आंधियां कम हो जाती हैं और सबसे ज्यादा रेगिस्तान के फैलाव का वही कारण होती हैं।
तेज हवाओं के साथ साथ जहां तक ये आंधी पहुंचती है वहां मिट्टी के ऊपर रेत जाकर जम जाती है और उस जगह की मिट्टी की फर्टिलिटी को खत्म कर देती है। इसी तरह से रेगिस्तान का फैलाव होता चला जाता है। लेकिन अगर हम रेत को ही सॉलिड कर देते हैं इस मशीन के जरिए तो फिर यहाँ मौजूद रेत उड़ नहीं पाएगी। दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जिसे चीन के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया है। इसके अलावा ये रियल टाइम डेटा कलेक्शन भी करती है, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, एनवायरनमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, हवा में कितना सूखापन है और हवा कितनी तेज चल रही है, ये हर चीज की रीडिंग ऑटोमेटिकली कलेक्ट कर लेती है। दोस्तों, ये काम चीन मैनुअल मेथड से करना चाहता तो चीन के लिए इस काम को करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता, बल्कि इसके बारे में सोच पाना भी नामुमकिन रहता। अगर रेगिस्तान को हरा किया जाना है या रेगिस्तान में आने वाली धूल भरी आंधियों को रोकना है तो उसके लिए अगर हम इंसानों की मदद लेते, यानी कि इंसानी लेबर लगाते, तो इस काम को कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता और महंगा पड़ जाता, क्योंकि जो काम लेबर महीनों सालों में करेगी वो ये मशीन एक दिन के अंदर ही कर देती है। दोस्तों, इसकी कैपेसिटी इतनी ज्यादा है कि सिर्फ एक दिन में ही 260 एकड़ में ऑटोमेटिक सेटिंग कर सकता है और रेत को सही बना सकता है, यानी कि ये इंसानी लेबर से 50 गुना ज्यादा तेजी से काम करता है। किसी भी कंडीशन में ये काम कर सकता है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। दोस्तों, चीन के अंदर एक ही रेगिस्तान नहीं है बल्कि यहाँ बहुत सारे रेगिस्तान मौजूद हैं। चीन अपने हर रेगिस्तानी इलाके में इस मशीन की मदद लेकर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है और इस मशीन के जरिए प्लांटेशन कराने वाला है। दोस्तों, यहाँ जो पौधे उगाए जा रहे हैं वो ऐसे हैं जो कि सूखे वातावरण में भी फल फूल सकते हैं, यानी कि वो कम पानी में भी सर्वाइव कर सकते हैं। इनका प्लांटेशन रेगिस्तान में किया जा सकता है। चीन इस तरह के रोबोट को अपने ही देश के अंदर बना रहा है और इन्हें अपने यहाँ काम पर लगा रहा है। ऐसा करने से चीन के अंदर चलने वाली धूल भरी आंधियां भी कम हो जाएंगी। जितनी ज्यादा रेत सही होगी उतनी तेज हवाएं इस रेत को उड़ा नहीं पाएंगी और यहाँ जो प्लांटेशन किया जा रहा है उसकी वजह से यहाँ की रेत धीरे धीरे करके ठोस होती चली जा रही है और हरियाली में वो इलाका बदल रहा है। यहाँ का रेतीला हिस्सा अब हरियाली की तरफ बढ़ता जा रहा है। चीन अपने रेगिस्तानों के बहुत बड़े हिस्से को पहले से ही हरियाली में कन्वर्ट कर चुका है। चीन के इस काम को देखकर बाकी सभी देशों को चीन से नसीहत हासिल करने की जरूरत है और अपने रेगिस्तानी इलाकों को हरा करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे भविष्य में रेगिस्तानों का फैलाव रुक सके। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और दोस्तों, चीन इससे पहले भी अपने रेगिस्तानों को खत्म करने के लिए बहुत से अलग अलग काम कर चुका है। जैसे कि चीन ने अभी कुछ समय पहले अपने रेगिस्तानों में खरगोश छोड़ दिए थे, तो अगर आप उसके बारे में भी जानना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर शो रहे इस वीडियो पर क्लिक जरूर कीजिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।